नमस्कार। जय माता रानी की। कैसे हुई दुर्गा माँ की उत्पत्ति? माँ दुर्गा को आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार माँ का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। वैसे तो सारा साल ही माता की पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों के दौरान इनके विशेष पूजन व उपाय किए जाते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रों के समय 9 दिन माता रानी पृथ्वी पर आकर भक्तों के बीच रहती है। इसलिए माँ को खुश करने के लिए भक्ति विधि विधान पूर्वक आरती, पूजा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सभी देवगण असुरों के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि दैत्यराज को ये वर मिला है कि उसकी मौत कुंवारी कन्या के हाथ से होगी। तभी सभी देवों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक देवी को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए तेज से ही देवी के अलग अलग अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से मस्तक और बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जांघा, पृथ्वी के तेज से नितंबर, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौंहें, वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरसकस, प्रजापति ने मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेष नाग ने मणियों से शोभित नाग, इंद्र ने व्रज, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पासा व तीर, ब्रह्मा ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए शेर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त समुद्र ने बहुत उज्ज्वल हार, कभी न फटने वाले दिए वस्त्र, चूड़ामणि, दो कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर तथा अंगूठियां भेंट की। इन सब वस्तुओं को देवी ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदा शक्ति है, यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत डर गया था, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्र से मार दिया। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से जाना जाता है।